चलिए स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, आपने प्रीवियस क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसका नाम होगा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो वहाँ आपने सबसे पहले क्या देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो क्या था, gm1m2/r2, यानी कि दो मास के बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो क्या था, gm1m2/r2। तो इस तरह से जब दो चार्जेज होते हैं तो वो दोनों चार्जेज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कूलम्स फोर्स यानी कि कूलम का बल। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों जो फोर्स हैं उनका जो फॉर्म है वो एक जैसा है, मतलब कांस्टेंट इनटू वहाँ क्या था m1 m2, यहाँ क्या है q1 q2, वहाँ अपॉन में r² था, यहाँ भी क्या है अपॉन में r², ठीक है। तो उस फोर्स के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट उसके अंदर क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब यह होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का एक ऐसा रीजन जिसमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो वो उस पर क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जो एरिया होता है जिसके अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी चार्ज होना चाहिए, ठीक है। देखो या तो चार्ज हो सकता है सिंगल, यानी या तो कोई आवेश हो सकता है आपके पास, या फिर क्या हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आवेश वितरण। तो देखो आपके पास दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास चार्ज हो सकता है एक सिंगल, या फिर एक क्या हो सकता है, एक से ज्यादा चार्जेज हो सकते हैं और पर्टिकुलर जगहों पे उनको क्या करके रखा गया है, अरेंज करके रखा गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेश वितरण। तो देखो इस चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक ऐसा एरिया बन जाता है, देखिए इस तरह से एक ऐसा फील्ड बन जाएगा, ऐसा एरिया बन जाएगा जहां पर अगर आप कोई दूसरे चार्ज को लाओगे QT को, ठीक है, तो देखो इस चार्ज पर ये वाला जो चार्ज है क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। हाँ यानी अब देखिए, अब ये जो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज देखो यहां पर अगर ये वाला चार्ज पड़ा है तो उस पर फोर्स लगाएगा, यहां फोर्स लगाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद, मतलब एक ऐसी डिस्टेंस होगी जिसके बाद जो है इस फोर्स ने, जो यहां पर अगर आप इस चार्ज को रख दोगे तो जो फोर्स लगाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो देखो अब तो इसका मतलब क्या है कि देखो इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके बाहर देखो इस एरिया के बाहर ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा, ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, टेस्ट चार्ज, ठीक है, यानी कि परीक्षण आवेश। टेस्ट मीन्स परीक्षण और चार्ज मीन्स आवेश। तो देखो टेस्ट चार्ज पर ये वाला जो चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या नहीं करेगा, फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। तो देखो जिस एरिया के अंदर फोर्स लगाएगा वो वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा यानी कि विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो सीधा सा आपको डेफिनेशन ये याद रखनी है, किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर का ऐसा एरिया जहां किसी और जहां किसी दूसरे चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज को लाने पर उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इस चार्ज का है या फिर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। क्लियर हुई चीज़। तो ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन हुई कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। देखिए इसको ई से लिखा जाएगा, कैपिटल ई, आ गई नहीं थी समझ में। और इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा, यानी कि इसे ही क्या बोला जाएगा, विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। तो आप एक बात याद रखें, तो इन जनरल तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि भाई आसपास का वो एरिया होगा कि वो फील्ड है, क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब इसके बारे में तीव्रता कौन बोले, इंटेंसिटी कौन बोले, तो जनरली बुक्स के अंदर जब भी लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए यानी विद्युत क्षेत्र फाइंड करिए, तो अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही क्या करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर दो चीजें होती है, सबसे पहले होता है एक चार्ज QS,
ठीक है। QS को हम बोलते हैं क्या, सोर्स चार्ज, यानी के स्रोत आवेश। आ गई नहीं थी समझ। अब क्वेश्चन है सोर्स चार्ज क्या होता है, तो देखो सोर्स चार्ज वो वाला चार्ज है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। समझ आ गई नहीं थी। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसके कारण हम किसी पॉइंट पर, याद रखिए हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, तो सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसके कारण हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फाइंड करना चाहते हैं, इंटेंसिटी, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस चार्ज कारण फाइंड करना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं, यानी कि सोर्स चार्ज कहते हैं। अब देखो, अब आपको बोला गया कि ये वाला जो सोर्स चार्ज है इसके कारण ये इस पॉइंट P पर आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखो ये तो अपने को पता है कि पास में इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, आपको सबको पता है। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि ये इस P पर जो इंटेंसिटी है ये निकालते कैसे हैं? तो देखो अपन क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पर एक छोटा सा चार्ज रख देते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्यू टी, यानी के टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो देखो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो देखो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये हमने क्या करा है कि एडिशनली रखा है, इसका यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है, ये तो बस रखने का जो कारण है कि हम क्या करना चाहते हैं कि कुछ इस पर ऑपरेशन करना चाहते हैं, इस कारण से इसको रखा है। बाकी जो अल्टीमेटली पिक्चर है उसकी देखनी है सोर्स चार्ज की, यानी कि स्रोत आवेश की ही देखनी है। अब क्वेश्चन है कि ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो देखो जो आपका टेस्ट चार्ज होता है ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, यानी इसका जो मापांक है यानी इसका जो मान है वो बहुत ही अल्प होना चाहिए। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों, देखिए अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक ऐसा चार्ज रखा जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, तो क्या देखो हम तो क्या करना चाह रहे हैं कि इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर इस फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। अब जब यहां पर आप बड़ा चार्ज रख दोगे तो उस बड़े चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। समझ आ गई चीज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे बहुत ही बड़ा चार्ज रखा तो यहाँ पर जो आपने चार्ज रखा बड़ा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो हमें रीडिंग चाहिए इसके कारण से, हमें तो सिर्फ बस इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अगर आप बड़ा रखोगे तो उसका भी ऐड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो रीडिंग आएगी वो क्या नहीं आएगी, सही नहीं आएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब स्मॉल को हम डिनोट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे लिमिट क्यू टेस्ट चार्ज गोज टू जीरो, ठीक है। देखो जो अल्प है यानी कि जो छोटा है इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि जो लिमिट है इसकी मैग्नीट्यूड की वो किस तरफ जानी चाहिए, जीरो की तरफ जानी चाहिए। सेकेंड ये है कि टेस्ट चार्ज हमेशा ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हम जब भी पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या फिर आगे जब हम जाएंगे तो टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो टेस्ट चार्ज हम हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेंगे, कभी भी नेगेटिव टेस्ट चार्ज नहीं लेंगे। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखो, अब नेक्स्ट हम क्या देखना चाहते हैं कि देखो क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है, आर। क्लियर हुई ये चीज़। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों चार्जेज के बीच, देखो जिस पॉइंट पे आपको निकालना था तो वहां पे आपने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, तो देखो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ये दोनों जो पॉइंट चार्ज है इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 1/4πε0 क्यू टी कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही है, ठीक है। या फिर अपन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब अपन इसको के कैपिटल क्यू क्यू टी अपॉन आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और यहाँ के की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/4πε0, ठीक है।
अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो ये तो हमने फोर्स निकाला, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई वो होता है लिमिट क्यू टेस्ट चार्ज गोज टू जीरो दिस फोर्स अपॉन क्यू टेस्ट चार्ज। समझ आ गई थी? यानी हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इस पर लगने वाला फोर्स इसके कारण डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज जो है वो क्या करेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ, ये लिमिट क्यू टी गोज टू जीरो के क्यू स्मॉल क्यू टी अपॉन आर स्क्वायर और इस पूरे के डिवाइड में क्या है क्यू टी, तो इस क्यू टी से क्यू टी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा लिमिट क्यू टी गोज टू जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बचा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो सोर्स चार्ज होता है यानी कि स्रोत आवेश होता है उसके कारण आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीज? तो देखो ये हमने क्या देख लिया कि एक सोर्स चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट जो आर डिस्टेंस पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि देखो हम जो डिवाइड कर, देखो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, तो फोर्स तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर यानी कि सदिश क्वांटिटी है। ठीक है, और जो चार्ज है नीचे वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। तो एक तरह से आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जो होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए अब हम क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन को सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले अब इस डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि ई हमारा एक तरह से क्या था, एफ अपॉन क्यू। ठीक है, वो लिमिट क्यू गोज टू जीरो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या है, अंडरस्टूड है कि वो होना ही चाहिए क्योंकि वो टेस्ट चार्ज के लिए। तो देखो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, तो हम ये बोलेंगे किसी भी चार्ज के कारण, किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, तो गौर सुनिए, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर रखे गए टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो के बराबर होती है। हिंदी में सुन लीजिए कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हुई, ये वाली डेफिनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, अब एक सेकेंड डेफिनेशन ई क्या हो सकती है, देखो ई हमें क्या पता है कि ये क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये तो फर्स्ट डेफिनेशन बताई मैंने, अब एक और डेफिनेशन देखो, जैसे मान लो कि यहां पर एक क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर अगर मान लो कि 1 कूलम चार्ज रखा हुआ हो, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, तो इस प्लस के 1 कूलम चार्ज पर ये वाला क्यू कितना फोर्स लगाएगा, तो देखो ये एफ किसके इक्वल हुआ बताओ, ये हुआ के ये q इंटू वन, तो q इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी f किसके इक्वल आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इसका मतलब देखो क्या है, इस पॉइंट इस सोर्स चार्ज के कारण यहां पर अगर 1 कूलम चार्ज रखा जाए तो उस पर कितना फोर्स लगता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अभी हमने क्या देखा कि इस q के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर यहां पर 1 कूलम चार्ज रखा जाए तो फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। हुआ या नहीं हुआ? तो देखो एक और डेफिनेशन इसकी क्या हुई कि किसी भी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कोई भी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो उस पॉइंट की इस सोर्स चार्ज के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यानी कि किसी भी स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश,
एक है इसलिए एकांक और पॉजिटिव है तो धनावेश। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र तीव्रता के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशंस हैं, दोनों आपको याद रखनी होगी और दोनों ही क्या मानी जाती है, करेक्ट मानी जाती है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप क्या होता है। ठीक है, अब पहले तो ये होना चाहिए, अगर ये वेक्टर फॉर्म अगर अपन निकाल रहे हैं, सदिश रूप निकाल रहे हैं, तो जो क्वांटिटी है वो खुद कैसी होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए जितने भी फील्ड होते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड और चाहे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सारे के सारे फील्ड क्या होंगे, एक तरह से जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, कभी फील्ड लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए अब हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक क्यू, यानी ये हमारा एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, और अगर इसको ओरिजिन माना जाए ओ, तो ये वाला जो है ये वेक्टर कौन सा है, हमारा आर वेक्टर। मतलब अगर हमारा सोर्स चार्ज ओरिजिन ओ पर रखा हुआ हो, ठीक है, और हमें पॉइंट पी का क्या निकालना, पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो आप याद रखेंगे कि देखो अब हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं और इस पर लगने वाला फोर्स निकाल देते हैं। तो देखो क्या होगा, ये फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू एस क्यू टी अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये हम देख के आ चुके हैं कि भाई यही होता है कि भाई कोई भी एक जिस क्यू वन के कारण क्यू टू पर जो फोर्स है, यानी हम यहाँ क्या निकालना चाह रहे हैं, टेस्ट चार्ज पर फोर्स किसके कारण, सोर्स चार्ज के कारण, यही आएगा। तो अपॉन में क्या आएगा, ऐसा वेक्टर आएगा जो ओ से मतलब सोर्स से शुरू होकर टेस्ट तक जाए, तो सोर्स से शुरू होकर टेस्ट तक जाने वाला वेक्टर कौन सा है, आर वेक्टर। क्लियर हुई है, तो जो अगर आपको पूछा जाए कि भाई अपने को आर क्या चाहिए, ओके, अपने को सोर्स से शुरू होके, यानी कि अपने को आर एस टी वेक्टर चाहिए, तो आर एस टी जो वेक्टर होगा वो यहां पर किसके इक्वल है, आर वेक्टर के, क्योंकि अपन इसको इसी तरफ बनाया है। समझ आ गई चीज, ठीक है, तो ये फोर्स इसके इक्वल हुआ। अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स जो कि टेस्ट चार्ज पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो आप डिवाइड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ई वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, के क्यू एस अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई, यानी कि अगर आपको सोर्स चार्ज पता है तो सोर्स चार्ज कारण किसी भी पोजीशन पर, देखो एक तो डिस्टेंस होती है, क्या होती है, पोजीशन, तो पोजीशन जो है वो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको पोजीशन पता है उसकी आर वेक्टर, तो इस कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू एस, क्यू एस मीन्स सोर्स चार्ज अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, और फाइनली हमने ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डेफिनेशन और उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।